खबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खाता सीज कर दिया गया है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। 14,98,00,000 जमा ना करने पर खाता सीज किया गया है। पैसा ना जमा कर पाने की वजह से संपत्ति भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब्त की जाएगी। एएमयू ने मामले में अब इस पूरे मामले को लेकर के अपनी सफाई दी है। तो बैंक अकाउंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सीज कर दिया गया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर 14,98,00,000 रुपए नहीं जमा करने का या नहीं देने का आरोप लगा है। अलीगढ़ नगर निगम ने खाता सीज कराने की अर्जी दी थी। नगर निगम की टीम ने एमयू परिसर स्थित एसबीआई की शाखा में पहुंच करके प्रक्रिया की। तो दरअसल अलीगढ़ नगर निगम के बकाया धनराशि को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बार बार नोटिस दी गई, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वो पैसा नगर निगम को नहीं दिया। और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। अगर अब भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस रकम को जमा नहीं कराती है तो फिर चल संपत्ति भी जब्त की जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में अब एमयू का कहना यह है कि चूंकि मामला विचाराधीन है कोर्ट के अंदर, इसलिए इस पूरे मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। एमयू ने नगर निगम पर 9 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा बकाया बताया, कई बार नोटिस देने की बात कही गई है। एमयू का कहना है कि कोर्ट से उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। बार बार इसका अनुरोध किए जाने के बावजूद भी यह भुगतान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया जा रहा था और नगर निगम के वित्तीय हित इससे प्रभावित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर अधिनियम एवं नियमावली की व्यवस्था के अंतर्गत आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में खाता अटैच किया गया है और समय दिया गया है कि यदि एक सप्ताह में भुगतान नहीं प्राप्त होता है तो उस खाते की अटैच की गई संपूर्ण धनराशि नगर निगम के खाते में ट्रांसफर कराई जाएगी और यदि उससे भी यह धनराशि पूरी नहीं होती है तो आगे इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच करने की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।